सो स्टूडेंट्स, अभी हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड की। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड कहाँ कंसिडर में आती हैं? अगर आपने एलोट्रोप ऑफ कार्बन स्टडी कर लिया है, देखो एलोट्रोप ऑफ कार्बन में हम थ्री मेन एलोट्रोप्स को स्टडी करते हैं। नंबर वन हम डायमंड को स्टडी करते हैं, नंबर टू हम पढ़ते हैं ग्रेफाइट को, और थर्ड है फ्लोरीन को। तो अब हम इन तीनों ही सब्सटेंसेस को, जिनको हम एलोट्रोप ऑफ कार्बन कह रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने मेंशन कर दी है, प्रॉपर्टी ऑफ डायमंड टॉपिक का नाम रहेगा अभी फिलहाल। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो कि डायमंड की फर्स्ट प्रॉपर्टी में मैंने मेंशन किया है, हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। डायमंड क्या है स्टूडेंट्स? सबसे ज्यादा हार्ड है, ठीक है। अब तक की ये समझिए, जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं, जितने भी सब्सटेंसेस हमें पता है, उनमें सबसे ज्यादा हार्ड कौन हुआ? डायमंड हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सभी बच्चों को पता भी होना चाहिए। दूसरा है ये कलरलेस होता है और ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है। डायमंड देखा होगा, कभी देखने का मौका मिलेगा तो जरूर देखना, और अगर नहीं देखा है तो ये क्या हुआ? कलरलेस और ट्रांसपेरेंट होता है, इसके आर पार हम देख सकते हैं, है ना, विजुअलाइज हो जाता है डायमंड से। तो ट्रांसपेरेंट भी हो गया, कलरलेस भी हो गया। नंबर थर्ड पे आता है, इट हैज हाई डेंसिटी। अगर देखिए, डेंसिटी जिस भी एलिमेंट की ज्यादा होती है, जिस भी सब्सटेंस की ज्यादा होती है, तो सोच के देखिए, वो हार्ड होगा या सॉफ्ट? तो क्या हुआ? हार्ड होगा। तो डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है किसकी? डायमंड की। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये हार्ड भी होगा। तो ये टर्म्स दोनों ही आपस में कोरिलेटेड हो जाती है। तो एक है कंडक्टिविटी से रिलेटेड। इतने कोई भी चीज में देखिए, आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, बहुत ज्यादा कंप्रेस्ड है, हाई डेंसिटी है, तो उसमें कोई भी आयन का फ्लो नहीं हो सकता, ये समझिए, ठीक है। अगर आयन का फ्लो नहीं होगा तो मुझे बताएं वो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी करेगा या नहीं करेगा? शायद आपका आंसर होगा नहीं करेगा, या बहुत कम करेगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ? पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के भी और हीट के भी। कौन, किसके बारे में बात हो रही है? डायमंड की। तो यहां हमें क्या पता चला कि इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एज देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन पास वहां से नहीं कर सकता है। तो बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी को हम अगर डिफाइन करें तो क्या होता है, एक तरह से करंट क्या होता है, आपने सुना होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा तो कंडक्टिविटी भी नहीं होगी, सीधी सी बात है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इट हैज हाई ब्रिलियंस। ये वर्ड आपने नहीं सुना है तो देख ले, इसको सुन ले, ब्रिलियंस, हाई ब्रिलियंस। ब्रिलियंस का मतलब होता है चमक, शाइनिंग। डायमंड तभी तो कॉस्टली होता है ना, इसकी बहुत अपने आप अलग तरह की चमक होती है, ब्राइटनेस होती है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ब्रिलियंस बोल रहे हैं, ठीक है ना। हम एक वर्ड पढ़ते हैं ब्रिलियंट, ब्रिलियंट मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी, है ना, उसमें कुछ अलग है। तो इस सब्सटेंस में भी कुछ अलग है, इसलिए बहुत महंगा होता है डायमंड, और हाई ब्रिलियंस है, बहुत चमक है। अब इसके पीछे का रीजन देखिए क्या लिखा है, दिस इज ड्यू टू हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका रीजन क्या होता है, अगर पूछिए, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक तरह से देखिए, इसमें जो कार्बन होता है, डायमंड किससे मिलके बना हुआ है? कार्बन से, बिकॉज एलोट्रोप ऑफ कार्बन है। तो हर कार्बन दूसरे कार्बन से टेट्राहेड्रल पोजीशन पे प्रेजेंट रहता है, जिससे कि वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका बहुत ज्यादा बन जाता है। इतना ही बात याद रखनी है आपको, ठीक है। चमक जिसमें अलग अलग एंगल पे वो चमकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं उसको, बहुत ज्यादा होगी तो कोई भी चीज ज्यादा उसमें शाइनिंग होगी, चमक ज्यादा होगी। अब जो थर्ड सिक्स मैंने इसमें प्रॉपर्टी मेंशन की है, देखिए इसमें क्या कहा है, डायमंड हैज थ्री डायमेंशनल नेटवर्क। इसका अगर स्ट्रक्चर पता करें तो थ्री डायमेंशनल जो नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, इन विच ईच कार्बन एटम, जिसमें हर कार्बन एटम जो होता है, इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाई फोर कार्बन एटम। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि डायमंड का स्ट्रक्चर क्या होता है, थ्री डायमेंशन में होता है, ठीक है। तो 3D वर्ड आपको पता होगा, मान लो मैं यहां पे लिख रहा हूं, सपोज करो इस बोर्ड में लिख रहा हूं, तो ये क्या है,
टू डायमेंशन है। मैंने ये सिर्फ एक बिंदु सा लगाया, डॉट पॉइंट लगाया, तो ये क्या है, वन डायमेंशन। और यहां मैं जितना भी कुछ भी लिखूं चाहे ये कॉन्सेप्ट किस पे 2D में ही कंसिडर होगा। ठीक है, अगर मैं कहूं कि कोई जो फ्लाइट, ठीक है, उड़ रही है, फ्लाइट है, कोई एरोप्लेन है, उड़ रहा है, तो वो कौन सी, कितने डायमेंशन में उसको माना जाता है, 3 डायमेंशन में उसको माना जाता है। तो उसका मतलब क्या हुआ, अभी देखिए इसको समझते हैं कि डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो 3D में होता है, 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर को बोलते हैं। अब उसमें क्या खासियत है उसको भी समझते हैं। उसमें ये कहा गया कि डायमंड के स्ट्रक्चर में हर कार्बन एटम दूसरे कार्बन से, हर कार्बन एटम किसी दूसरे कार्बन से टेट्राहेड्रली ज्वाइंट होता है। क्या कहा, हर कार्बन एटम किसी दूसरे कार्बन से जब वो जुड़ेगा तो टेट्राहेड्रली जुड़ेगा। जैसे कि ये कार्बन है, सपोज करिए इससे जुड़ेगा, अब इससे जुड़ेगा तो फर्दर क्या होगा, सपोज करिए यहां पे मैं इसको मेंशन करता हूं, तो ये देखिए टेट्राहेड्रली इस तरह से जुड़ेगा, ये इसके साथ जुड़ना चाह रहा है तो ये फर्दर इस तरह से जुड़ेगा, ये कार्बन है टेट्राहेड्रली आगे जुड़ेगा तो इस तरह से जुड़ेगा, हर कार्बन जो है दूसरे से और ये फर्दर आगे जुड़ता चला जाएगा। और ये कार्बन है, अब ये तो मैं 2D में बना रहा हूं, अगर 3D में बनाता तो ये कार्बन भी क्या होगा, नेक्स्ट कार्बन से, मतलब कि एक मान लो ये पीछे है, एक इस तरह से कुछ आगे जुड़ा हुआ है, उससे जुड़ता तो क्या बना, 3D डायमेंशन स्ट्रक्चर शो करेगा। और उसमें काफी ज्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स रहेगा, और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का मतलब हुआ बहुत ज्यादा वो शाइनिंग देगा, और शाइनिंग का मतलब हुआ अट्रैक्टिव, वो बहुत अट्रैक्टिव होगा, और अट्रैक्टिव का मतलब हुआ वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होगा। समझ में आया, ठीक है। उसी तरह इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट स्टडी करते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट। हम साथ के साथ ये भी इस प्रॉपर्टी में समझने की कोशिश करते रहेंगे, आप सोचते रहें पिछली प्रॉपर्टीज और इसकी प्रॉपर्टीज में क्या फर्क है, डिफरेंसेस क्या है उनके अंदर, ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज में और डायमंड की प्रॉपर्टीज में। तो देखिए, पहला हम बात करते हैं इस प्रॉपर्टी में उसके कुछ स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, जो ग्रेफाइट होगा इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो इसमें मेंशन किया है इट इज कंपोज्ड ऑफ 2D लेयर्स। तो ये कैसे कंपोज्ड है, 2-डायमेंशनल लेयर्स कंटेनिंग हेक्सागोनल रिंग ऑफ कार्बन एटम, जिसमें क्या होगा, हेक्सागोनल रिंग जो आप यहां देख पा रहे होंगे इनके आपस में ज्वाइंट होगा, और ये जो ज्वाइंट होगा इसमें मेंशन किया है दीस लेयर्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये जो लेयर्स आपस में जुड़ेगी तो ये वीक वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में शो करेगी। तो देखिए, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमने सबसे पहले क्या कहा कि ये जो ग्रेफाइट होता है इसके बीच में रिंग्स होते हैं, रिंग्स होते हैं कौन से, उन रिंग्स को क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल टाइप रिंग होते हैं। रिंग किससे बनते हैं, कार्बन से बनते हैं। कार्बन से क्यों बनते हैं, बिकॉज ये एक फ्री स्टेट, एलोट्रोप ऑफ कार्बन का एक फ्री पार्ट है, फ्री स्टेट बोल सकते हैं इसको, किसको, कार्बन को। तो ये जो ग्रेफाइट होगा सिर्फ कार्बन से ही मिलकर बना हुआ होगा, तो हर कार्बन दूसरे कार्बन से पहली बार तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर इस तरह से रिंग्स बनाएगा, ठीक है। अब एक रिंग दूसरे रिंग से जुड़ा हुआ होगा, है ना, तो यहां मैंने एक रिंग बनाया, ये सोचिए ये रिंग है, ये दूसरे रिंग से जुड़ा हुआ है, समझे। अब इसमें भी देखिए, ये मैंने ये जो डॉट से लगाए हुए ना, ये सोचिए कार्बन लगे हुए हैं, ठीक है। अब ये एक रिंग हुआ, दूसरा रिंग ये हुआ, अब ये रिंग दूसरे रिंग से आपस में कनेक्टेड है ना, ये आप देख पा रहे होंगे। अब ऐसी बहुत सारी लेयर्स बनती चली जाएंगी, एक रिंग दूसरे से इस तरह से इंटरकनेक्टेड होगा, ये मानिए, और एक लेयर वो होगी और दूसरी उसी तरह से दूसरी लेयर भी आपस में जुड़ी हुई होगी, और दूसरी फिर थर्ड लेयर भी आपस में इसकी ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में जुड़ी हुई होगी। अब देखिए, लेकिन लेयर्स के बीच में जो ज्वाइंट है वो वीक है, ठीक है ना। मैं आपको कह रहा हूं एक लेयर जो है किसकी बनी हुई है, हेक्सागोनल की लेयर मान लो ये है, दूसरी हेक्सागोनल की ये है, और थर्ड वन ये है। अब पहले ये तो काफी स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं बोलो, ठीक ठाक से स्ट्रॉन्ग है, आपस में ये जो लेयर है स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये
और ये जो है उनके बीच में बॉन्डिंग उतनी अच्छी नहीं है। तो मुझे बताइए ओवरऑल जो स्ट्रक्चर बनेगा ग्रेफाइट का या स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा एज कम्पेयर टू डायमंड। ठीक है, आपका आंसर होना चाहिए ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, इसलिए जो ग्रेफाइट होता है वो सॉफ्ट होगा, उसका रीजन भी बताऊंगा मैं, लेकिन पहले स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ क्या मेंशन है, मान लो मैं एक कंसीडर करता हूँ एक कार्बन, ये जो मैंने एरो से लगा के रखा है इसके ऊपर नजर आप लगाएं, इसका मतलब क्या हुआ, मान लो हमारे पास ये कार्बन है। अब देखिए ये कार्बन दूसरे कितने कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये तीन कार्बन से डायरेक्टली कनेक्शन इनके बीच में मिलेगा। नंबर वन ये है, नंबर टू ये लिखा है, नंबर थ्री ये लिखा है। ठीक है ना, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यही तो है। फोर्थ कार्बन इसमें नहीं मिलेगा, फोर्थ कार्बन जो मिल रहा था हमें डायमंड में ये ग्रेफाइट में ऐसे नहीं मिलेगा, इसलिए हम ग्रेफाइट को क्या बोले 2D टाइप बन रहा है ये, है ना, 3D में बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर जो है स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा, इसमें ऐसा नहीं होगा। यहाँ लिखा है ईच कार्बन एटम इन ग्रेफाइट इज ज्वाइंट टू ओनली थ्री अदर कार्बन एटम, इस बात को आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, समझने की कोशिश करें। ईच कार्बन एटम इन ग्रेफाइट इज ज्वाइंट टू ओनली थ्री अदर कार्बन एटम, ये थ्री अदर कार्बन एटम इससे जुड़े हुए हैं। एक तो ये लेयर बना रही है, ठीक है, हेक्सागोनल। अब जो दूसरा जो लेयर होगी, ठीक है, वो ये लेयर देखो किस तरह से जुड़ी हुई है, इसके ये जो पार्ट है, ये जो कार्बन है ना, इधर जो एज में दिख रहा है ये इसके इसमें शो करना है, ये वाला जो हिस्सा है ये बीच में इस तरह से कुछ आना चाहिए, इसका जो कनेक्शन है ये देखिए इस तरह से कनेक्टेड होना चाहिए, तो ये इस तरह की लेयर्स बनती चली जाएंगी। अब ये देखिए ये गैप और उसके बाद बिल्कुल ये जो लेयर दिख रही है इसकी लेयर से बिल्कुल मेल खाती है, सिमिलरिटी है इस और इस लेयर में, ये थोड़ी सी आगे की तरफ खिसकी हुई है, ये समझिए। अब इनके बीच में क्या होगा, वीक फोर्सेस होल्ड कार्बन लेयर टुगेदर, तो इनके बीच में क्या हुआ, वीक फोर्सेस हुआ, इनको ये आपस में होल्ड करके रखी हुई है। और देखिए एक और इंटरेस्टिंग बात, ये फ्लैट लेयर बोलते हैं इनको कार्बन की, ना इस तरह से फ्लैट लेयर बोलते हैं। दूसरी बात ये बताई कि जो ये जो कार्बन है जिसमें हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनता है ना, उनके बीच में तो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा और वो ठीक ठाक सा स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब यहाँ लिखा है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग बनेगी वो बहुत वीक नहीं होगी, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उनके बीच में। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन कार्बन एटम इन ए लेयर, बट देयर इज वीक बॉन्ड बिटवीन यू कैन से फ्लैट लेयर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, इस लेयर के बीच में क्या होगा, वीक बॉन्ड होगा, बस इतना ही सारी हमें समझना है। आगे बढ़ते हैं इसकी प्रॉब्लम, खैर ये तो नहीं आता एग्जाम के अंदर, ये वाला पार्ट तो फ्लो वगैरह करना नहीं आता, लेकिन चलिए हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ना चाहिए, गलत भी क्या है। अब सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, हम कंपैरिजन करवाते हैं कि स्ट्रॉन्गनेस तो बॉन्ड जो है इतना ज्यादा इनके बीच में नहीं है स्ट्रॉन्ग, तो मुझे बताइए ये क्या होगा, हार्डनेस्ट नहीं होगा, सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट सा होगा। ठीक है, तो यहाँ से मेंशन कर दिया होगा, चलिए इस प्रॉपर्टी को पहले देखते हैं। इट इज ग्रेश ब्लैक ऑपेक सब्सटेंस, सेकंड प्रॉपर्टी क्या, ग्रे कलर का होगा, ग्रेश कलर का, ब्लैक और ग्रे का कॉम्बिनेशन होगा, और ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, ऑपेक मतलब कि आस पार पार नहीं दिखेगा, है ना, इतना मानो पीस लेते हैं इसका ग्रेफाइट को, अब झांकने की कोशिश करते हैं तो हमें आगे फ्रंट वाला आगे वाला हिस्सा नहीं दिखेगा, पीछे वाला बैक वाला, ये समझिए। और क्या है, एक्सट्रीमली सॉफ्ट होता है ना, और इसका रीजन क्या है, डेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं होती है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा नहीं होगी नेचुरली वो क्या होगा, सॉफ्ट होगा, सीधी सी बात है। और ये गुड कंडक्टर दिखाएगा इलेक्ट्रिसिटी का, अगर गुड कंडक्टर किसी भी चीज की शो करते हैं, कोई भी संस्थान गुड कंडक्टिविटी शो करता है, इसका मतलब वहाँ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छे से पॉसिबल है। ठीक है जी, ये प्रॉपर्टी भी हो गई। लास्ट में एक पॉइंट लिखा है, आपने नोट करना है कि डायमंड और ग्रेफाइट दोनों का हीम वेल्डिंग पॉइंट जो होता है बहुत बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज हैं, आप इनको चाहें तो फिर से नोट कर सकते हैं, कहीं छूट गया तो। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट की, जिसका नाम रहेगा फ्लोरीन, इसकी प्रॉपर्टीज होता क्या है और कुछ यूजेस हम
जल्दी से कवर अप करते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने डायमंड और ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज को भी स्टडी कर लिया है। तो देखते हैं फ्लोरीन के बारे में एक बात आपको मैं इंफॉर्मेशन बता देता हूँ। देखिए ये 1996 में फ्लोरीन को इसकी कुछ मेंबर्स को जिसका हम C60 और C70 मैं बोल रहा हूँ, तो इनके मेंबर्स को डिस्कवर किया था 1996 में। और द नेम ऑफ साइंटिस्ट मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, क्रोटो कर्ट एंड स्मेली। क्या नाम है? क्रोटो कर्ट एंड स्मेली, ये तीन साइंटिस्ट हैं। इन्होंने 1996 में इनके ऊपर काम किया था, एक नया इनोवेटिव एलोट्रोप जो कि कार्बन का एलोट्रोप है उसको डिस्कवर किया था, उसके बेस पे इनको नोबेल प्राइज मिला था। तो देखिए इसमें क्या बताया गया, अभी भी इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, इनकी प्रॉपर्टीज को समझा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए फ्लोरीन होता क्या है। एक्चुअली फ्लोरीन क्या होते हैं, ये कार्बन क्लस्टर कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं? कार्बन से बने हुए कंपाउंड होते हैं क्लस्टर फॉर्म में, विच अकर इन मैनी शेप, जो कि डिफरेंट डिफरेंट शेप में हो सकता है, जैसे कि स्फीयर की शेप में, जैसे कि एलिप्स की शेप में, और सिलेंड्रिकल भी उनकी शेप हो सकती है। और जो हम मेजरली पढ़ते हैं ना सिलेबस में वो है स्फेरिकली जो शेप होती है फ्लोरीन की, जिसको हम बकमिंस्टर फ्लोरीन बोलते हैं और बकी बोल्स भी इसको कहा जाता है। थोड़े से वर्ड टिपिकल से हैं लेकिन कोई बात नहीं, नया तो सीखना पड़ेगा ना। अब देखिए इसमें क्या कहा गया, फ्लोरीन क्या चीज होती है, एक कार्बन से बने हुए कंपाउंड है और उनमें कार्बन एक तरह से आप कह सकते हैं क्लस्टर फॉर्म में होता है, और ये कार्बन के एलोट्रोप्स हैं, ये आपको ऑलरेडी पता है ना, थ्री स्टेट में कार्बन रहता है, उसमें हम तीन स्टेट तीन फॉर्म पढ़ते हैं कार्बन की, इसमें डायमंड ग्रेफाइट और थर्ड वन हम फ्लोरीन को स्टडी करते हैं। अब देखिए इसमें क्या बोला गया कि कार्बन की अलग अलग क्या होती है, आप कह सकते हैं शेप हो सकती है, कार्बन मतलब इस क्लस्टर कंपाउंड के कार्बन की है ना, शेप हो सकती है, किस फॉर्म में, होलो, होलो अंदर से खाली हो सकता है, स्फीयर जैसे आपने देखा होगा फुटबॉल, फुटबॉल कैसे होता है, बाहर से एक लेयर सी लगी होती है ना, प्लास्टिक की मान लो या जो भी उसके मटेरियल यूज होता है, पॉलिथीन वगैरह वो मटेरियल उसमें यूज होता है। अब उसके अंदर का जो स्पेस होता है वो क्या होता है, खाली होता है, तो होलोस्फीयर ऐसा ही बोलते हैं, कुछ ऐसा कार्बन का कंपाउंड क्लस्टर फॉर्म में होता है जिसको हम फ्लोरीन बोलते हैं, वो स्फीयर की फॉर्म में भी खाली हो सकता है, एलिप्स भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, ये आपको पता चल गया। और स्फेरिकली फ्लोरीन को हम क्या बोलते हैं, बकमिंस्टर फ्लोरीन बोलते हैं, और बकी बॉल्स या जो फुटबॉल का जो बॉल आता है कुछ उसी तरह इसको, इस कंपाउंड को हम उसकी शेप को समझते हैं। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट शेप ऑफ कंपाउंड आप बता दिया मैंने आपको, वो स्फेरिकल है और उसके कुछ मेंबर है C16, C17। अब C60 का मतलब है यहाँ कार्बन जो है उस पूरे फॉर्मेट में 60 कार्बन यूज हुए होंगे इस मेंबर में, इस C70 का मतलब यहाँ 70 कार्बन यूज हुए हैं ओवरऑल शेप के अंदर, चाहे वो स्फेरिकल शेप है चाहे वो दूसरी कोई शेप में क्या होगा फ्लोरीन होगा, अलग अलग फ्लोरीन होते हैं। अब देखिए इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोरीन को हम थोड़ा देख लेते हैं, तो इसमें क्या लिखा है, इट कंसिस्ट ऑफ हेक्सागोनल और पेंटागोनल रिंग्स। तो खैर ये प्रॉपर्टीज में तो नहीं आता है, ये इसके स्ट्रक्चर में आता है, मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, कोई बात नहीं। तो इसकी जो फ्लोरीन की जो शेप होती है ना वो हेक्सागोनल और पेंटागोनल रिंग्स होते हैं उसमें, जो भी शेप होगी। ठीक है, ये मैंने यहाँ थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की है। इन दिस स्ट्रक्चर यू कैन से यहाँ जो ये जो रिंग आप देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, 1, 2, 3 and 4, 5 इसमें टोटल नंबर ऑफ रिंग्स कितनी है, 1, 2, 3, 4 and 5 तो 5 को क्या बोलते हैं, पेंटागोनल रिंग है तो रिंग बोलेंगे। ठीक है ना, तो पेंटागोनल रिंग जो होता है हेक्सागोनल रिंग के साथ जुड़ा हुआ होता है, पेंटागोनल रिंग। आप देखिए दूसरा जो इसके साथ रिंग अटैच है वो क्या, हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल है, 1 है 2 है 3 4 5 and 6। अब इसी तरह ये भी 6 जुड़ा हुआ होगा, 1, 2, 3, 4, 5 and 6 टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। तो इस तरह से लंबी चेन होती है इनके बीच में ना, स्फीयर होगा तो उस तरह से जुड़ जाएगा वो, देख लेना। अब देखिए ये जो आगे फर्दर होगा ना नेक्स्ट, इनके बीच में
फिर से पेंटागोनल वगैरह इस तरह से कुछ जुड़ जाएगा, इस तरह से पांच जुड़ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 5 क्या है नेक्स्ट 6 के साथ जुड़ जाएगा, तो एक पूरा लंबा हमें एक कंपाउंड मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इसमें क्या मेंशन है, इट एग्जिस्ट एज डिस्क्रीट मॉलिक्यूल व्हाइल डायमंड एज वेल एज ग्रेफाइट शो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो देखिए इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि जो फ्लोरीन है ये अपने आप में डिस्टिंक्ट है, डिस्क्रीट है, इंडिविजुअल आप कह सकते हैं, मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करता है। लेकिन जो हम अगर कंपैरिजन करें डायमंड और ग्रेफाइट का, तो ग्रेफाइट और डायमंड आपने देखा होगा 3D टाइप स्ट्रक्चर शो करते हैं, उनका स्ट्रक्चर काफी बड़ा होता है, तो ये भी इनके बीच में डिफरेंस है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ मेंशन है, इट इज डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, समझ गए होंगे इसका मतलब। नेक्स्ट देखते हैं ये, इट इज नीदर वेरी हार्ड नॉर वेरी सॉफ्ट, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं होता, बहुत ज्यादा सॉलिड भी नहीं होता, ये कह सकते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग सॉलिड नहीं होता ना ही बहुत सॉफ्ट सॉलिड होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, समझ गए होंगे सभी बच्चे, बिकॉज इसके अंदर आपको रीजन पूछा जाए तो आप कह देना कि ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होता है, तो इसके मतलब गुड इलेक्ट्रिसिटी शो करता है। हमारे पास जो दूसरे वीडियो आएंगे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, वो भी मैं बैक टू बैक अपलोड करने की कोशिश करूंगा और सभी वीडियो आपको लास्ट में प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे पूरे चैप्टर के साथ।